अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, ये है हसन कंप्यूटर का यूट्यूब चैनल और मैं हूँ इमरान खान। आज अपने टॉपिक से थोड़ा हटकर वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन इस वीडियो का मकसद भी आपको मालूमात देना और आपको आगही देने के अलावा आपका जहन खोलना है। ग्लोबल इंडेक्स सर्वे के मुताबिक जिंसी तौर पर ट्रांसमिटेड बीमारियाँ जो कि 1 लाख आबादी के हिसाब से ली गई है, ये हमारा आज का मौजू है। वो ममालिक जहाँ पर ट्रांसमिटेड डिजीजेज यानी जिंसी बीमारियाँ सबसे ज़्यादा हैं वो और सबसे कम हैं, आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि पाकिस्तान का नंबर इसमें कौन सवा है। और फिर इससे हमें इन ममालिक की अखलाकी तनजुली और अखलाकी इरफाइयत का भी पता चलता है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज रेट पर 100 के पॉपुलेशन, टॉप पर है साउथ अफ्रीका 37.3 के, बोट्सवाना दूसरे नंबर पे है 34.1 के, लिसोथो 32.5 के, बर्मुडा 32.4 के, ब्राज़ील 31.7 के, जमैका 29.6 के, कोलंबिया 28.7 के, वेनेजुएला 27.8 के, पेरू 25.9 के, केन्या 25.2 के, थाईलैंड 24.7 हज़ार, मेक्सिको 22 हज़ार, श्रीलंका 22.7 हज़ार, चिली 20.6, USA 19.9 के, यूक्रेन 19.9 के, लेटविया 19.7 के, अर्जेंटीना 19.5 के, रशिया 19.2 के, नाइजीरिया 18.9 के, इंडोनेशिया 32.17 के, साउथ कोरिया 17.9 के और ईरान जो कि बदकिस्मती से 16.9 पे है। इसी तरह सऊदी अरेबिया 15.5 के, UAE 15.4 के। इन ममालिक में लिबरलिज्म फहाशी और उरियानी ओद कर आ गई है। ये सोचकर कि सऊदी अरब जो कि एक इस्लामी मुल्क है और हमारे शियार का वतन है, वहाँ पर फहाशी और उरियानी किस हद तक जा सकती है और लिबरलिज्म नए दौर में किस हद तक दाखिल हो चुका है। इसी तरह यूनाइटेड अरब एमिरेट 15.4 के, जहाँ पर दुनिया भर के अय्याश लोग तशरीफ लाते हैं और जिनसी बीमारियाँ ट्रांसमिट करते हैं। नाइजर 15.1 के, जर्मनी 15.1 के, ऑस्ट्रेलिया 14.5 के, स्वीडन 14.2 के, कैनेडा 13.5 के, डेनमार्क 13.2 के, तुर्की 13.1 के। और ये भी हमारे लिए बदकिस्मती की बात है कि तुर्की में भी ये शरह इतनी बुलंद है। इटली में ये शरह 13.0 के, रोमानिया में 12.9 के, और बदकिस्मती से मिस्र भी लिबरलों के शिकंजे में जकड़ा हुआ है 12.7 के, जापान 12.7 के, फ्रांस 12 के, चेचिया 12.0 के, नॉर्वे 11.9 के, पोलैंड 11.9 के, ऑस्ट्रिया 11.7 के और स्पेन 11.6 के, UK 10.9 के, इंडिया 10.8 के, जहां पर बहुत ज़्यादा हिंदुस्तानी फिल्में जो कि बेगैरती, बेशर्मी और बेहयाई से भरी हुई होती हैं, इनकी वजह से जिंसी ट्रांसमिटेड डिजीज़ बहुतात का शिकार हैं। बांग्लादेश बदकिस्मती से 10.0, इसराइल ऑब्वियसली होना भी चाहिए इससे भी ज़्यादा 9.5 के, लेकिन बदकिस्मती की बात है कि अफगानिस्तान 8.9 के सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ का शिकार है। और आखिर में मेरा देश पाकिस्तान 7.6 के सबसे ज़्यादा कम ट्रांसमिटेड जो डिजीज़ हैं यानी जिनसी तौर पर फैलने वाली बीमारियां पाकिस्तान में कम हैं। वजह ये है कि यहां पर लिबरलों और मीटू माफिया और एनजीओज़ का असर रसूख उतना ज़्यादा नहीं है जितना कि इन ममालिक में है। लेकिन इस पर भी ज़्यादा इतराने और फ़ख्र करने की बात नहीं है, कोशिश होनी चाहिए कि ये बीमारियां और भी पाकिस्तान में कम हों। और फिल्मों, थिएटर्स और फहाशी के दूसरे अड्डों पर जिस तरह के पंजाब की हुकूमत रेड मार रही है, इसी तरह दूसरे सूबों में भी इन फहाशी के मराकज़ और बेगैरती के मराकज़ पर छापे मारे जाएं और मखलूत तालीम को कम से कम किया जाए। फहाशी, उरियानी और बेगैरती के जितने भी असबाब हैं उनका सदबाब किया जाए। तो अक्वामे आलम में हम इस्लामी जम्हूरिया पाकिस्तान के बाशिंदा होने की हैसियत से फ़ख्र से सर उठा सकेंगे कि हम एक इस्लामी मुल्क पाकिस्तान के बाशिंदे हैं,
जहां पर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज की शरह सबसे कम है। अल्लाह मेरे पाकिस्तान में वतन अजीज को कायम और दायम रखे। अल्लाह मेरे वतन पाकिस्तान को एनजीओज, लिबरल्स और कुफार के शिकंजे और नरगे से महफूज रखे। आमीन। अगर आप संवारना चाहते हैं अपना फ्यूचर, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब हसन कंप्यूटर। अल्लाह वारिस।